कैसा लग रहा है ये बस में आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आरामदायक फील होता है इस बस में तो। स्मूथ ट्रैवल है एक्सपीरियंस, ओके। और डबल डेकर में बैठा हूँ पर स्लीपर कोच वाले में बैठा हूँ। ये पहली बार सीटिंग है पर बहुत अच्छी बस है, एकदम क्लीन भी है, एसी भी है फुल। हाँ, तो इसका मतलब जो टिकट रेट है वो भी काफी नॉमिनल है ना। स्टूडेंट पास में कोई भी स्टूडेंट इसे ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एडिशनल चार्जेस है। एसी है, एसी लगी हुई है, चार्जिंग पॉइंट है, मतलब आपको क्या चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर है। और वुमेन सेफ्टी की बहुत अच्छा है, काफी सेफ है। अब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास जो है वो आप देख लीजिए, इस तरह से ऊपर से। अगर आपको फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट चार्ज करने हैं तो चार्जिंग फैसिलिटीज भी दी गई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे प्रथम ट्रिप 24 कलाके वाड़ के ऊपर है, सब पैसेंजर भी आते हैं तो हंसते हंसते आते हैं, और जाते हैं तो भी बोलते हैं कि नहीं, बहुत मजा आ गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कारम, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लाइक वी ट्रैवल में। मैं हूं आपका दोस्त पार्थ राणा। आज की डेट है 9 फरवरी 2024 और अभी मैं हूं वासना AMTS बस टर्मिनल पे। तो अगर आपने इससे पहले वाला अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में जो GSRTC की नई डबल डेकर बस सर्विस शुरू हुई है उसका व्लॉग अपलोड किया था। और उसमें मैंने ये बस किस तरह की है, वहाँ का रूट क्या है, टाइमिंग्स क्या है और उसके टिकट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ उसके अंदर कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इधर अभी ऊपर आई बटन में आ जाएगा, छोटा सा वीडियो है, पहले जाके आप वो देख लीजिए। और अभी वो वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि अभी AMTS पे भी डबल डेकर बस सर्विस खुद अपनी शुरू करने वाली है। तो AMTS का फर्स्ट डबल डेकर बस सर्विस अभी शुरू हो गया है, वासना AMTS से लेके जाएंगे वाडज, और वाडज AMTS बस स्टैंड पे वहाँ पे उसका स्टॉप है, वहाँ से फिर बस रिटर्न आती है। तो अभी बस अंदर से यहाँ पे आपको दिखा दे, रूट तो मैंने आपको बता दिया, टाइमिंग और टिकट रेट के बारे में आपको इस वीडियो में कवर करके बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी हमारा बस जर्नी शुरू करने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पे महेश भाई है, उनसे थोड़ा बात करते हैं ये बस के बारे में, वो खुद ही हमें बताते हैं। महेश भाई स्वागत है तुम्हारो माय चैनल मा। AMTS ने डबल डेकर बस शुरू करवामां आवी छे, एनो सवारे सौथी प्रथम ट्रिप 26 કલાકે વાડજથી ઉપડે છે અને વાસણાથી આવીને 6:50 ઉપડે છે, પછી વાડજથી બીજી ટ્રીપ છે 7:35, વાસણાથી બીજી ટ્રીપ છે 8:15, બરાબર। અમે ચાર ટ્રીપ મારીએ છીએ આખા દિવસ પ્રથમ પ્રથમ પાડીમાં, પ્રથમ પાડી ઓકે। અને ટિકિટનો શું ભાવ રહે છે? ટિકિટ વાડજથી વાસણા સુધીનો 15 રૂપિયા ભાવ છે, બરાબર। વાડજથી પાલડીના 10 રૂપિયા છે, બરાબર ઓકે। અને આવી હજુ એક જ બસ શરૂ થઈ છે અમદાવાદમાં, પહેલી એક જ બસ ચાલુ કરવામાં આવી છે, બરાબર। બીજી બસો નવી આવી રહી છે, બીજી નવી બસો આવશે, એ કેટલી આવશે બીજી, એવો કોઈ આઈડિયા? 7-8 આવવાની છે, 7-8 બસ આવશે અને બધા અલગ અલગ પટ્ટામાં શરૂ થશે, બરાબર। અને આમાં પબ્લિકનો કેવો છે પ્રતિસાદ, બધા લોકોને કેવો અનુભવ રહે છે? બહુ સરસ પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, પબ્લિક તો હજુ એમ કે છે કે હજુ વધારે બીજી બસો આવે તો સારું એમ, તો અમને પણ અલગ રૂટમાં બેસવાનો લાભ મળે, સાચી વાત છે। કારણ કે ઘણા વર્ષો પછી પાછી શરૂ થઈને ડબલ ડેકર પછી આ બસ ડબલ ડેકર શરૂ કરવામાં આવી છે, બરાબર। થેન્ક યુ સો મચ મહેશભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, अभी चलते हैं बस के अंदर, 8:30 बजने को है और यहाँ से जाएंगे वाडज। तो बस का अंदर का भी आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, आप ये एंजॉय कीजिए और रास्ते का भी नज़ारा दिखाता हूँ। एक्सपीरियंस तो बढ़िया है इसमें, बढ़िया एक्सपीरियंस है आपका। अच्छा सर, हाँ इनकम टैक्स कितना है? तो अभी बस के अंदर का नज़ारा आप एंजॉय कीजिए और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्पेशलिटी ये बस की। तो मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे CCTV कैमरास जो है वो आप देख लीजिए, इस तरह से ऊपर CCTV कैमरास लगे हैं। अभी मैं नीचे के डेकर पे, वो अभी ऊपर डेकर पे जाएंगे, वहाँ पे भी CCTV कैमरास है और उसका जो पूरा ऑपरेशंस है और उसका जो व्यू है पूरा, CCTV कैमरे में जो भी चीज़ रिकॉर्ड होती है वो वीडियो दिखता है ड्राइवर के बिल्कुल पास में, तो ड्राइवर के पास में वो सिस्टम, ड्राइवर वहाँ से सब कुछ देख पाते हैं, कैमरे का व्यू वहाँ से देख सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर सिक्योरिटी पर्पस, बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को ये, और फुल्ली ऐसी बसेज है। और उसी के साथ साथ अभी मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पे चार्जर चार्जिंग, अगर आपको फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट चार्ज करने हैं तो चार्जिंग फैसिलिटीज भी दी गई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो ये सीट के बिल्कुल नीचे आप देख पाते हो यहाँ पे ये है, तो ये तो मतलब मैंने पहली बार देखा AMTS या GSRTC की किसी बस में किस तरह से चार्जिंग भी होता है, चार्जिंग फैसिलिटी भी दी गई है, सो इट्स रियली नाइस। और जो भी ट्रैवलर्स है वो भी जो अभी ये सर्विस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं,
सो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले डेकर पे चलता हूँ और आपको वहाँ से नज़ारा जो आता है अहमदाबाद के रोड्स का वो दिखाता हूँ। सो अभी यहाँ पे AMTS में अभी फर्स्ट डेकर पे ऊपर आ गया हूँ, तो जो मेरे फेलो ट्रैवलर्स हैं उनसे कुछ बात करते हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है बताइए पहले। मेरा नाम राठौड़ आयुषीबा है। हाँ, और आप मतलब ये बस जब से शुरू हुई तब से इसमें ट्रैवल करते हो कि पहले? तब से यहाँ ट्रैवल करती हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है ये बस में आपको? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आरामदायक फील होता है इस बस में तो। और बस की सर्विस वगैरह कैसी है? टाइम बहुत ही अच्छी है, टाइमिंग भी अच्छा है बस के। अच्छा, और डबल डेकर में आपने इससे पहले कभी ट्रैवल किया है कि फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ही किया है मैंने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वरी। ओके, और आपका मैम? हाँ, तो आपको कैसा लग रहा है ये बस? ये बस काफी स्मूथ है और इसमें जोक्स भी नहीं बैठते हैं, लाइक स्मूथ ट्रैवल है एक्सपीरियंस। ओके, और ओवरऑल ये आपको बस कैसी लगी, इसकी क्लीनलीनेस वगैरह? क्लीनलीनेस तो बहुत अच्छा है। और इसके बारे में और आपको आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस जब से शुरू हुई तब से आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो? मैंने कल फर्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू मैम। आपका नाम मैम? मेरा नाम कोमल है। ओके, आप ये आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं इससे? हाँ, पहले फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक जर्नी शुरू हुई तब से? अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, ये एकदम क्लीन भी है। हाँ, एसी भी है फुल, मतलब अच्छा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रहा। और डबल डेकर में पहली बार ट्रैवल कर रहे हो अपनी लाइफ में? पहले कभी किया? नहीं, पहली बार किया है। बहुत ही अच्छा। ओके, थैंक यू। हाय भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋषि। ऋषि भाई, तो आप आज पहली बार ट्रैवल कर रहे हो डबल डेकर में? सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम कल ही किया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम कल किया था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, डबल डेकर में बैठा हूँ पर स्लीपर कोच वाले में बैठा हूँ। अच्छा। ये पहली बार सीटिंग है पर बहुत अच्छी बस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इसके पहले मतलब आज क्या हुआ, आज मैं बैठ गया था दूसरी बस में और मैं उस कंडक्टर को पूछा डबल डेकर आने वाली है, उसने बोला हाथ में वापस नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गया और इसमें बैठे। अच्छा, ऐसा किया वहाँ से उतर के भी स्पेशल इसमें बैठने के लिए, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा है। और आपको क्या लग रहा है और ऐसी बस सर्विस शुरू होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए, है ना? टाइम पे भी चलती है बस, आई थिंक, है ना? परफेक्ट टाइम है इसका। ओके, थैंक यू भाई। यस भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हितेन गाला है। तो आप पहली बार आज ट्रैवल कर रहे हो, इससे पहले किया? नहीं, पहले किया है, पहले मुंबई में किया है। एक्चुअली मुंबई में किया था तभी छोटा था। हाँ। तो इस हिसाब से थोड़ी फैसिलिटीज की ज्यादा अच्छी है। अच्छा। बहुत स्मूथ है और एकदम क्लीन है। हाँ। एक्चुअली चेकिंग भी अच्छी खासी हो रही है। अच्छा। तो वो अच्छी बात है। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। और हाँ, एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल। अच्छा। है क्योंकि पास में अच्छे से ट्रैवल करते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस जरा भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब जो टिकट रेट है वो भी काफी नॉमिनल है ना। हाँ, स्टूडेंट पास में कोई भी स्टूडेंट इसमें ट्रैवल कर सकता है, ऐसा नहीं कि एडिशनल चार्जेस एसी है या क्लीनलीनेस है इसके लिए। तो जो नॉमिनल इसके चार्ज, इसी चार्ज में हमें एसी भी मिल रहा है, उसी के साथ इतना क्लीनलीनेस, चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वेरी गुड। और टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है ना, कैमरा वगैरह। हाँ, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज कर रहा है। यस, ओके, थैंक यू भाई। सो अभी जैसे मैंने महेश भाई से बात किया, ऐसे यहाँ पे शैलेश भाई भी है, वो भी ये बस को अभी सुपरवाइज कर रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा बात करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसा है लोगों का अभी एक्सपीरियंस यहाँ पे? लोग जब ये आने लगे, जैसे बस सर्विस शुरू हुई तो सब बहुत एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड था, तो लोगों का अनुभव कैसा रहा यहाँ पे? बहुत बढ़िया अनुभव है। हाँ, और सब भी ऐसे बस में आके पहले ही बोलते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बनाई है। हाँ, बैठते तो कितना अच्छा बनाई है। हाँ, बहुत ट्रैवलिंग करते मजा आती है, ऐसे बोलते हैं। पहले आके घर से घर पहुँचते जब बोलते हैं कि हाथ शांति हुई, ऐसे बस में आते हैं ऐसे भी बोलते हैं। क्या बात है, ऐसे बोलते हैं। बहुत सही है सर। और ऐसी बसेस अभी ऐड होने वाली है आगे, तो इसका भी एक्साइटमेंट लोगों को रहता है। 25 साल के बाद वापस शुरू हुआ, तो अभी यहाँ पे हम आए हैं तो हमें भी बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सर। तो सर को अभी जनरल सुपरविजन तो करना होता है, इसी के साथ साथ अभी इन्होंने मेरे को बताया कि बस में मतलब सेफ्टी वगैरह तो है, उसी के साथ साथ आप पान मसाला ये सब खा के यहाँ पे गंदगी नहीं कर सकते, अगर ऐसा कुछ करोगे तो आपको फाइन पे करना हो सकता है। और मैंने आगे वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बस में ट्रैवल कीजिए, एंजॉय कीजिए, पर यहाँ पे जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन कीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ की स्वच्छता को बरकरार रखें। सो अभी जर्नी तो एंजॉय कर रहे हैं, पर एक बात मेरे को आपको बतानी थी कि मेरे साथ आज है दीपिका जी, रॉक एंड रील, जिनका यूट्यूब चैनल है। हम लोग पहली बार मिले थे
जब साबरमती रिवर फ्रंट में अपना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट शुरू हुआ था तब वहाँ के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद हम लोग फ्लावर शो में भी मिले थे, तो वो टाइम पे हमने बात किया था कि अगर कभी हो सकता है तो साथ में व्लॉग बनाएंगे, कोलैब करेंगे। तो आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, वैसे उनका शेड्यूल बिजी रहता है, वो काफ़ी सारे व्लॉग वो भी बनाते रहता है, पर फिर भी आज वो वक्त निकाल के आ गए हैं, तो अभी उनको भी वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? यार ये एक्सपीरियंस ना सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं ना जनरली जब मैं व्लॉगिंग के लिए जाती हूँ तो मैं बस में ट्रैवल करती रहती हूँ। मैं जो बस चल रही है ना, BRTS बस चलती है, मैं उसमें ट्रैवल करती हूँ। मेरे को वो भी बहुत कम्फर्टेबल लगती है, मतलब काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। पर जब आज मैं इसमें बैठ रही हूँ ना, तो इसका भी जो मतलब कम्फर्टनेस है, जो कम्फर्टेबल जर्नी जो हम लोग कर रहे हैं, इतनी आरामदायक जर्नी है ना यहाँ पे। अभी क्योंकि अभी चालू हुई है तो भीड़ भी थोड़ी कम है, AC लगी हुई है, चार्जिंग पॉइंट है, मतलब आपको क्या चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। और वुमेन सेफ्टी, वैसे भी अहमदाबाद वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत सेफ फील करती हूँ मैं। लेकिन ये बस में भी ट्रैवल करके लग रहा है कि बहुत अच्छा है, काफ़ी सेफ है, तो मैं इसको 5 स्टार देती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम के भी वीडियोस काफ़ी सही होते हैं, मैं उनके यूट्यूब चैनल का जो लिंक है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप जाइए उनके चैनल पे, उनके वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैम थोड़ा आप कौन किस टाइप के व्लॉग्स बनाते हो आप खुद बता दीजिए। देखिए मैं जो हूँ ना, ट्रैवल, शॉपिंग और न्यू, एवरीथिंग न्यू एट अहमदाबाद, ये सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब आप जान पाएंगे कि किस तरह के वैरायटी ऑफ वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, जल्दी से जाइए इनके चैनल को भी सब्सक्राइब। तो अभी वाडज पहुंच गए हैं और इस जर्नी को यहाँ पे एंड करते हैं, पर यहाँ पे जो पूरा इनका स्टाफ था उनको थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उन्होंने प्रोवाइड की, हमें गाइड भी किया। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यस, हाँ आएंगे अहमदाबाद घूमने, हमारे व्यूअर्स भी आएंगे। सो अभी 9:30 है और हमारा बस जर्नी हुआ यहाँ पे ख़त्म। अभी मैं हूँ वाडज AMTS बस स्टैंड पे, तो वासना से लेके वाडज के बीच में अभी ये नई बस शुरू हुई है और टोटल 8 राउंड्स है इसके दिन में, और इसका टिकट प्राइस क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको आगे वीडियो में बता दिया। तो अच्छा रहा ये जर्नी भी, लोगों से थोड़ा बातचीत भी किया, एंड थैंक्स टू रॉक एंड रील अगेन, दीपिका मैम वो भी आ जाए तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा साथ में व्लॉगिंग करने का। तो अभी इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको लगता है, जैसे अभी काफ़ी सारे लोग सर्च करते रहते हैं AMTS डबल डेकर के बारे में, GSRTC डबल डेकर के बारे में, तो ये प्राइस वगैरह अगर आपको लगता है कि उनको काम में आएगा, तो ये वीडियो की लिंक को अपने ग्रुप में फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप मेरी चैनल पर अगर अभी नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।